Yes, myself, I'm Ratnabhushan. This is our new initiation for CAP, that is Current Affairs Program, which will benefit you for IAS, PCS and other major competitive exams. My main purpose is to work for the students and update their knowledge and help them to reach their goal. It will cover daily news of national and international. It is today, 12th November 2016. So the most important news of today are November super moon will be biggest and brightest in 60 years. On Monday, the moon will be the biggest and brightest it has been in more than 60 years. So long as the sky is clear of clouds, it should be a great time to get outside and gaze it to take some photos. It's what's commonly known as super moon. Once again, I am repeating, super moon, or technically it is known as perigee full moon. Perigee, that is full moon, a phenomena that occurs when a full moon coincides with the moon, becoming the closest it gets to the Earth on its orbit. Supermoons are roughly 30% larger in areas and 30% brighter than the smallest full moons. Full moons that happens when the moon is at its furthest distance from Earth at apogee. In its distance, the width of the moon, it will be about 14% wider than the smallest one. The next news is once again from तंबाकू. पिछले कुछ दिनों से मैं तंबाकू के बारे में बता रहा हूँ और लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया जाग रही है. देश की 7 करोड़ महिलाएं तंबाकू उत्पादों की चपेट में. भारत में चबाने वाले तंबाकू उत्पादों का सेवन करने वाले महिलाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे वे कैंसर और अन्य बीमारियों की चपेट में आ रही है. यह बात केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा देश में चबाने वाले तंबाकू के प्रभाव पर पहली बार जारी विस्तृत रिपोर्ट में सामने आई है. रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्तमान में 15 साल और उससे अधिक उम्र की 7 करोड़ महिलाएं चबाने वाले तंबाकू उत्पादों का सेवन कर रही हैं और उनकी संख्या में बढ़ोतरी भी हो रही है. रिपोर्ट के अनुसार चबाने वाले तंबाकू उत्पादों की वजह से गर्भवती महिलाओं में एनीमिया का खतरा, जैसे खून की कमी है, एनीमिया क्या है, खून की कमी का खतरा 70% तक बढ़ा है, जबकि इसका बच्चों के वजन पर नकारात्मक असर पड़ता है. रिपोर्ट के अनुसार भारत में मुंह का कैंसर विकराल समस्या बनती जा रही है. भारत में हर साल मुंह और उदर कैंसर के लगभग 1,19,000 नए मामले के आ रहे हैं सामने. इसमें से 90% कैंसर के मामले किसी न किसी रूप में चबाने वाले तंबाकू उत्पादों के सेवन से होते हैं. दूसरी तरफ भारत में प्रतिवर्ष 3.5 लाख से अधिक लोग चबाने वाले तंबाकू, स्मोकलेस टबैको जैसे खैनी, गुटखा और पान मसाला की वजह से मौत के शिकार हो रहे हैं. तो इसके लिए एक पूरी जंग लड़नी पड़ेगी इसको ख़त्म करने के लिए, या इसको रोकने के लिए, या इसको स्लो करने के लिए. जो नेक्स्ट न्यूज है वो हमारे जापान से. भारत में जापान में असैन्य परमाणु करार. भारत और जापान ने शुक्रवार को ऐतिहासिक असैन्य परमाणु करार कर हस्ताक्षर किए. जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार किसी गैर एनपीटी देश के साथ ऐसा रणनीतिक करार किया है. इसके साथ ही दोनों देशों ने 10 करारों पर हस्ताक्षर भी किए हैं. और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ जो बहुत ही अच्छी न्यूज है. 2023 में भारत में बुलेट ट्रेन दौड़ने लगेगी. भारत में बुलेट ट्रेन दौड़ने का सपना 7 साल में हकीकत में होने वाला है. यह भरोसा इस परियोजना को वित्त पोषित करने वाले जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में दिया. मोदी के सम्मान में दिए गए राजकीय भोज का संबोधित करते हुए अबे ने कहा, इस साल के शुरू में मुंबई अहमदाबाद रूट के डिजाइन का काम शुरू होगा और वर्ष 2018 में इस कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा. तो भारत जापान के बीच अहम करार कई चीज़ों में हुआ. एक तो उच्च शिक्षा के बारे में हुआ, कृषि के बारे में हुआ, कौशल विकास के बारे में हुआ, वस्त्र उद्योग के बारे में हुआ, खेल संस्कृति और कला के बारे में हुआ, हाइगो प्रांत से करार. हाइगो प्रांत से करार क्या था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में भारत के गुजरात राज्य और जापान के हाइगो प्रांत की सरकार ने अकादमी, कारोबार, संस्कृति, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग के लिए करार किए हैं. साथ ही अंतरिक्ष विज्ञान और आधारभूत संरचना
जो है उसके आधारभूत संरचना का मतलब ये हो गया कि जो हमारे बुनियादी ढांचे हुए, सड़कें हो गई, हवाई अड्डों का निर्माण हो गया, बंदरगाहों का निर्माण हो गया, और स्मार्ट सिटी के क्षेत्र में काम करने, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, जो जापान हमारे देश के लिए इतना इंटरेस्ट ले रहा है और काम कर रहा है। नेक्स्ट है बेसिकली नाउ आवर लीजेंड हीरो इज, टुडे इज आवर लीजेंड हीरो इज लाला लाजपत राय, वन हू वाज पॉपुलरली नोन एज पंजाब केसरी। सो ही वाज बोर्न इन 1865, ही वाज डाइड इन 1928 एट द एज ऑफ 63 एट लाहौर ड्यूरिंग साइमन कमीशन प्रोटेस्ट। ही वाज एसोसिएटेड विद आर्य समाज एज वेल एज इंडियन नेशनल कांग्रेस। लाला लाजपत राय ही वाज अ ऑथर, ही वाज अ पॉलिटिशियन, ही वाज अ सोशल वर्कर, ही वाज अ नेशनलिस्ट, ही वाज पॉपुलरली नोन एज पंजाब केसरी। ही वॉज द पार्ट ऑफ लाल बाल पाल ट्राइब ऑर्गेनाइजेशन। लाला लाजपत राय वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई हिंदुइज्म एंड क्रिएटेड अ कैरियर ऑफ रिफॉर्मिंग इंडियन पॉलिसी थ्रू पॉलिटिक्स एंड राइटिंग। ही वॉज अ डिवोटी ऑफ आर्य समाज, विच वॉज फाउंडेड बाई दयानंद सरस्वती, एंड वॉज एडिटर ऑफ आर्य गैजेट विच ही सेटअप ड्यूरिंग हिज फर्स्ट स्टूडेंट टाइम। After studying law at the Government College at Lahore, Lala Lajpat Rai practiced at Hisar in Lahore, where he helped to establish the nationalistic Dayanand Anglo-Vedic School, become a follower of Dayanand Saraswati, and the founder of Reformist Hindu Society, Arya Samaj. Lala Lajpat Rai traveled to the US in 1907 and then returned during the First World War. Lala Lajpat Rai criticized for his remark demanding a clear partition of India into a Muslim India and non-Muslim India. You know, it is said that he was the first one to talk about that it should be a separate nation for the Muslim people. 1928, the British government set up a commission, Simon Commission, headed by Sir John Simon, to report on the political situation in India. The Indian political party boycotted the commission because it did not include a single Indian in its members. मैं आपको बताना चाहता हूँ, साइमन कमीशन में 7 मेंबर थे, एंड दिस कमीशन वाज आल्सो नोन एज व्हाइट कमीशन, एंड इट मेड विद द कंट्री वाइड प्रोटेस्ट व्हेन द कमीशन विजिटेड लाहौर ऑन 30 अक्टूबर 1928। जेम्स ए स्कॉट, वन हु वाज द सुप्रिंटेंडेंट, दे ऑर्डर्ड द पुलिस लाठी चार्ज टू द प्रोटेस्टर एंड पर्सनली असॉल्टेड लाला लाजपत राय। डिस्पाइट बीइंग इंजर्ड, लाला लाजपत राय सब्सिक्वेंटली एड्रेस्ड द क्राउड एंड सेड, this is a beautiful line what he said, I declared that the blow struck at me today will be the last nails in the coffin of British rule in India. I declared the blow struck at me today will be the last nails in the coffin of British rule in India. So Lala Lajpat Rai, apart from nationalist activity, he was a great writer, hero. His writings includes The Story of My Deportation, आर्य समाज, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अ हिंदूज इम्प्रेशन, यंग इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, इंग्लैंड, डेथ टू इंडिया, एंड सो मेनी अदर थिंग्स ही रोट। ही ऑल्सो गेव द थियरी ऑफ सेफ्टी वाल्व व्हेन इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड, एंड ही सेड दैट फॉर व्हाट पर्पज द सेफ्टी कांग्रेस वॉज फाउंडेड, एंड बेसिकली द इनिशिएटर वाई ए यू टुक द इंटरेस्ट टू फाउंड एन इंडियन नेशनल कांग्रेस। So this is the most important news of today. I would like to say please like, subscribe and share. All the best. God bless you. God bless you, India. Thank you so much.